हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ज्ञान कुमार। तो बस यहाँ पे मेरा हो रहा है काम, जो सुबह का अपना डेली रूटीन होता है वही। सभी तो मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि जो मेरा खाना वगैरह था वो तो मेरा बन चुका था। बट और यहाँ पे कुछ मेरा सुबह का और भी काम था, तो यहाँ पे बज रहे हैं 10:30 और मैंने हो ही जाता है खाना बनाने के बाद भी बहुत सारा कचड़ा हो जाता है। तो कुछ मैंने स्टिचिंग वगैरह की थी ना, तो इस वजह से मुझे अर्जेंट में देने थे कपड़े, तो मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ। तो बस सुबह थोड़ी बहुत एक सूट था उसे कंप्लीट किया, और इसके बाद हमें जाना था कहीं बहुत बहुत ही ज़रूरी था, वो तो सबसे ही ज़रूरी था जहाँ मुझे जाना था। तो क्योंकि जब उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो मैंने सोचा चलो कुछ मुझे सामान भी लेना वो भी ले आऊँगी। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू लग जाएगी, तो बस यहाँ पे लग गई मेरी झाड़ू, और बस बिस्तर भी इधर से ही कर दूँ। बस इसके बाद हम निकलेंगे मॉल, तो मेरा रेडी होना रह गया। तो बस मैं कंघी वगैरह करूँगी, और बस कंघी वगैरह करने के बाद हम निकलेंगे मॉल। तो चलिए गाइज, आप ज़रूर ज़रूर चलिएगा। हम कहाँ जा रहे हैं तो चलिए, मैं आगे आपको मिलेगा ही देखने को। तो प्लीज़ फिर पूरी वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा। और देखिएगा कि आपको यहाँ पे कैसा लगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस मैं यहाँ पे जो मेरा काम था वो हो चुका है, बाकी जो बिस्तर था तो वो भी मैंने क्लीन कर लिया है, और बस अब हम चलेंगे मॉल। तो बस चलिए, आप जब तक एंजॉय करिए। तो कुछ आवाज़ ना वो आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ी बहुत तो आवाज़ आती है, वो तो ऑब्वियसली हेलो आती एवरीवन, रहती है। वेलकम बैक तो टू माय बस चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ज्ञान कुमार। सो गाइस, आज एक अच्छी जगह लेके जा रहे हैं आप लोगों को, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये जगह कैसी लगी। तो चलिए अब हम चलते हैं मॉल। सो गाइज, हम लोग यहाँ निकल चुके हैं अपने घर से, तो चलिए आप लोग भी आ जाइएगा, और चलिए मेरे साथ। हम लोग कहाँ जा रहे हैं तो आपको ज़रूर ज़रूर देखने को मिलेगा। तो बस चलिए, यहाँ पे दीदी थी ना, तो मैं थोड़ी सी उनसे बात करने लगी नीचे। तो बस, और यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं बस पे। तो देखिएगा यहाँ पे ना, दो लोगों को नहीं एक साथ बैठने देते हैं, मतलब एक सीट छोड़ के एक सीट पे बैठने देते हैं। तो बस इसके बाद तो देखिएगा यहाँ पे कितना मतलब अच्छा लग रहा है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा प्रदूषण आप देख सकते हो, मतलब एकदम धूप भी है बट बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग निकल चुके हैं, आप देख ही सकते हैं। तो बस हम लोग ये आ गए हैं मॉल। तो बताइएगा गाइस कि आपको यहाँ पे कैसा लगा? मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। सो गाइस, बस यहाँ पे आ गए हैं हम लोग, और तो देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस जगह पे कैसा लगा। तो देखिएगा ये है यहाँ पे, ये ना जस्ट रोड के जो रोड होता है ना उसी के किनारे मॉल है ये। तो इसमें बहुत बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा मॉल है बट बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे सफाई वगैरह का बहुत अच्छे से वो ध्यान रखते हैं, बट जो बड़े मॉल होते हैं उसमें इतना वो नहीं होता। तो बस देखिएगा यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, और हम ये जा रहे हैं
फर्स्ट फ्लोर पे, तो बस यहाँ पे जो, नहीं सॉरी, ये सेकंड फ्लोर है, तो हम लोग पहुँच गए हैं ऊपर यहाँ पे। तो मुझे कुछ ग्रोसरी का सामान वगैरह लेना था, तो दाल लेनी थी, तो मैंने यहाँ पे जितनी भी दाल मतलब होती है वो सारी ले ली है, मसूर वगैरह और अरहर की। सिर्फ मैंने उड़द की दाल नहीं ली क्योंकि उड़द की कोई भी नहीं खाते हैं, और मटर, बाकी सारी दालें ले ली हैं हम लोगों ने। और चीनी भी मेरी ख़त्म थी तो वो भी ले ली। और तो देखिएगा आप, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, मतलब संडे था ना, इस वजह से ज़्यादा लोग नहीं थे। तो बस यहाँ पे पूरा का पूरा मतलब सैनिटाइज वगैरह और सब बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है हर चीज़ का। तो बस यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, ये मैं ले रही हूँ मसूर की, खड़ी मसूर जो होती ना साबुत वाली, वो उसकी दाल ले रही हूँ। और मैंने अरहर वगैरह जो दालें थी ना वो मैंने ले रखी हैं। और तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे टोटल मेरा मैंने यहाँ पे 900 रुपये की शॉपिंग की थी बस। और इसके बाद मैं जा रही हूँ, अभी ये काउंटर के पास जाएंगे, और काउंटर के पास बस इनको थोड़ी वज़न भी दिखवाएंगे कितना है, क्योंकि मुझे लेनी थी सिर्फ 1 या 1.5 किलो, दालों से ज़्यादा नहीं लेनी थी, बट थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो उसमें से निकलवा देंगे। तो बस यहाँ पे मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, इस वजह से मैंने वहाँ की क्लिप नहीं ले पाई, बट ये आप देख सकती हो। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, क्योंकि अभी तो दिल्ली में तो वैसे ही अभी बढ़ ही रहे हैं जो कोरोना पेशेंट, तो इस वजह से ना निकल नहीं रहे हैं कहीं भी। तो जैसे कि मॉल वगैरह अभी यहाँ पे तो सेफ्टी है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत ही आ जाते हैं, बट संडे के दिन भीड़ नहीं होती यहाँ पे। और जो नीचे की शॉप है वो सारी बंद पड़ी थी कपड़े वगैरह की, और ऊपर जो है ना ग्रोसरी का सामान वगैरह था ये सब खुली हुई थी, और कुछ कॉस्मेटिक सामान वो भी खुला हुआ था। बाकी नीचे का जो बच्चों के होते हैं वो सारे बंद पड़े थे, क्योंकि संडे के दिन जो शॉप वगैरह होती है ना वो सारे बंद होती हैं। तो बस हमने यहाँ पे ले लिया पूरा सामान, और सामान लेने के बाद क्या सामान था, वही जो मुझे दालें वगैरह लेनी थी, तो मैंने यहाँ पे दालें ली, और 2.5 किलो की लमसम मैंने यहाँ पे चीनी ले ली है। तो बस हम लोग ने पैकिंग करवा के हम लोग आ गए हैं बाहर। तो यहाँ पे हम बस यहाँ पे अपना सामान रखेंगे जो भी लिया है, दालें वगैरह, तो वो मैं थैले में पैक करेंगे। तो भूल गए थे थैला ले जाना, थैला नहीं ले जा पाए थे, तो यहाँ से तो पता नहीं कितना महंगा देती है सच में, 10 रुपये के थैले 20 रुपये में दिया उन्होंने। तो बस हमने उसमें पैक कर लिया, और बस हम लोग जा रहे हैं स्टैंड पे, तो वहाँ से बैठेंगे बस पे। तो बस हम ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट के रास्ता होती है यहाँ से, क्योंकि जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना वहाँ से एकदम पास में है ये मोमेंट्स मॉल। तो गाइस देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि भीड़ भी नहीं है संडे इस वजह से, और कुछ तो कोरोना चल रहा है ना, तो इस वजह से लोग बहुत ही कम निकलते हैं, क्योंकि जो दिल्ली में है ना बहुत बहुत ज़्यादा पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो देखिए अब हम लोग जा रहे हैं, तो बस यहाँ पे जो था ना, तो थैला लिया था हम लोगों ने एक, तो ये उसमें डाल रहे हैं दाल, और यहाँ पे मैं बना रही थी वीडियो, तो बस यहाँ पे दालें वगैरह रख ली हैं और हम निकलेंगे अब। तो बस तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मॉल कैसा लगा, और हाँ थोड़ी सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मॉल में कैसा लगा और कैसा था मॉल, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो भी मैं लाई हूँ वो तो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये सिर्फ हम दालें वगैरह ले आए हैं, तो बस इसी के वजह से हम गए थे, क्योंकि ना मॉल में दाल ठीक मिल जाती है, साफ भी रहती है, और वैसे जैसे कि ऑनलाइन वगैरह मंगाओ ना तो सही तो मिलती है, बट थोड़ी सी महंगी मिलती है। तो इतना मेरे पास बजट नहीं था, जिस हिसाब से था उसी हिसाब से हम मॉल से ही लाए हैं,
और मार्केट में भी ठीक ठाक दाल मिल जाती है, तो बट हमने कहा चलो मॉल भी घुमाएंगे और दालें भी लाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे, दिखाएंगे कि मॉल कैसा लगा। तो बताइएगा मुझे ज़रूर कि आपको मॉल में कैसा लगा। और तो बस तो थके हुए हैं, तो जस्ट अभी आए थे, तो मैंने सोचा चलो आप लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फिर अभी बज रहे हैं 4 और हम अभी आए हुए हैं, बस थोड़ी सा टाइम हुआ अभी आए हुए। तो चलिए बताइएगा मुझे ज़रूर कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो प्लीज़ मेरे ना आप पूरे वीडियो देखा करिएगा, और मैं ना डेली वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, तो 2 या 1-3 दिन में डालती हूँ। तो प्लीज़ जब भी मैं डालती हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तो जो भी वीडियो मैं डालूँगी वो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो बस चल, तो शाम का टाइम हो रहा था, लगभग शाम के बज रहे थे 7:30 होने को थे। तो मैंने यहाँ पे जोत वगैरह जगाने के बाद बस मैं यहाँ पे बना लेती हूँ शाम का डिनर। तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया था आज, तो सिर्फ मैंने पकोड़े बनाए थे। तो ये कह रहे थे ये पकोड़े निकाल दो, क्योंकि और यहाँ पे मैं बना रही थी चाय, तो मैंने चाय में लौंग वगैरह डाली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गले भी ख़राब हो रहे हैं, पता नहीं खरासी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो देखिएगा मेरे पकोड़े एकदम क्रंची, बहुत अच्छे टेस्ट, बहुत टेस्ट इसका बहुत अच्छा था। तो बस मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ, तो प्लीज़ गाइस आ जाइएगा, आप भी टेस्ट करिएगा और बताइएगा कि आपको कैसे लगे। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छे से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।